और श्रीनगर से हमारे संवाददाता अशरफ वानी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ कमलजीत संधू भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले अशरफ, आपसे जानना चाहेंगे कब तक पहुंच रहे हैं गृह मंत्री, क्या है उनके फ्लाइट का टाइम? अशरफ, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अशरफ से हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन श्रीनगर से ही कमलजीत संधू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कमलजीत, आपके पास कोई जानकारी कि कब तक गृह मंत्री श्रीनगर पहुंच रहे हैं? देखिए, प्रोग्राम पहला तो 12:30 बजे का है, ऐसी कोई इनपुट आई नहीं है कि वो दिल्ली से शुरू कर चुके हैं, लेकिन हमें बताया गया है कि 9:30 से 10 के बीच में वो घाटी पहुंच सकते हैं। और पहला प्रोग्राम उनका है वो भी अंडर रैप्स है। ऐसा भी कहा जाता है कि वो मार्टिस के परिवार से मुलाकात करेंगे, इसमें से पुलिस वाले भी होंगे और कुछ माइनॉरिटी के जो परिवार वाले हैं उनके साथ भी करेंगे। आपको ये भी बता दें क्योंकि हम जो पहली उनकी मीटिंग है वो हाई लेवल मीटिंग गुफकार रोड से आगे बढ़ते हुए वो राजभवन में है। लगातार बारिश हो रही है, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से सिक्योरिटी फोर्स लगे हुए हैं। तो 12:30 बजे उनका पहला प्रोग्राम है। आपको ये भी दिखा दें, लगातार झमाझम बारिश हो रही है, अमित शाह के पोस्टर हैं, तो जहां जहां उनकी कार जाएगी वहां वहां आप देख सकते हैं कि पोस्टर जगह जगह लगाए गए हैं। कई पोस्टर कल रात को ही आए हैं, लेकिन बीती रात से मौसम भी काफी खराब हो गया है। इसके बाद वो एक वर्चुअल मीटिंग मिलेंगे जम्मू कश्मीर यूथ के साथ, और उसके बाद 6 बजे के करीब एक इंटरनेशनल फ्लाइट है, यानी श्रीनगर से पहली फ्लाइट शारजा को जाने वाली, वो उसका उद्घाटन होगा। लेकिन अगर हम अपनी सुरक्षा सोर्सेस की बात करें, उनका कहना है कि काफी सरप्राइजेस हैं इस विजिट में, यानी संकेत है कि बिंद्रू परिवार या फिर सुपिंदर कौर, जो ये एक टीचर थी जिनको मारा गया था, उनके घर पे भी जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि सुरक्षा कारणों से ऐसा बताया गया है कि घर पे जाना शायद सही नहीं होगा, इसलिए प्रोग्राम SKICC में भी हो सकता है। तो अलग अलग प्रोग्राम रखे गए हैं, प्रोग्राम के बैकअप भी रखे गए हैं। और आपको बता दें, हमें यह भी बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवान जिन्होंने काफी मार्टिरडम दी है, उनमें से भी किसी एक के घर वो जा सकते हैं, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। और आते ही सबसे पहले ये प्रोग्राम करेंगे और उसके बाद एक हाई सिक्योरिटी लेवल मीट होगा जिसमें DIB होंगे, सेक्रेटरी रॉ होंगे, होम सेक्रेटरी होंगे, DG JKP की एक घंटे की प्रेजेंटेशन है जिसमें इन्फिल्ट्रेशन से लेके श्रीनगर सिटी में जिस तरह से आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही हैं, किस तरह के काउंटर मेजर्स लिए गए हैं। आपको बता दें, क्योंकि ये सब हुआ है इसी वजह से अतिरिक्त मैन पावर बुलाई गई है, CRPF की टुकड़ियां मंगाई गई हैं, कम से कम 10 कंपनी, BSF की कंपनीज मंगाई गई हैं, तकरीबन 15 हमें बताया गया है। और ऐसा नहीं है कि अमित शाह के विजिट पे बुलाई गई हैं, अब ये कंपनियां यहां रहेंगी ताकि आतंकवाद को कंट्रोल कर सकें, जिस तरह से TRF ने लगातार गतिविधि बढ़ाई है। इस तरह के जो CCTV कैमराज है और ये लगाए गए हैं, और इसके अलावा फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, ऐसी कई बात की जा रही है जहां पे SOG है, यानी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, उसमें किस तरह का इनको इंसेंटिव दिया जाए, क्योंकि इतनी डेथ्स होती हैं टेरर अटैक्स में, उनको ज्यादा इंसेंटिव दिया जाए। और देश में दूसरे इलाकों में जिस तरह से पुलिस को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है इंकरेजमेंट के लिए, इस तरह से हमें सोर्सेस बता रहे हैं। तो कई बातें सामने रखी जाएंगी, सिक्योरिटी अपग्रेडेशन की, ज्यादा शॉर्ट इन द आर्म जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस को देने की जरूरत है, वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस को बढ़ावा दिया जाए, इस तरह की बातें सामने रखी जाएगी। और क्या सिक्योरिटी फोर्सेस में तालमेल हो, क्योंकि कई बार सिनर्जी होती है और कई बार नहीं नजर आती है, इन सब को लेकर जो बात है वो गृह मंत्री के सामने रखी जाएगी और उनकी तरफ से भी एक दिशा निर्देश आएगा। क्योंकि आपको मालूम होगा, आतंकवादी घटनाओं के बाद उन्होंने टॉप ऑफिशियल्स यहाँ पे भेजे थे, चाहे वो IB के हैं, रॉ के हैं या फिर NIA के हैं, और लगातार हमने देखा है कि पिछले दिनों में रेड्स चलती आई हैं। कल ही 26 लोगों को आगरा के जेल शिफ्ट कराया गया, तो इस तरह से एक क्रैकडाउन किया जाए टेरर नेटवर्क्स पर। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें, आपके पास फिर हम आएंगे कमल जी ज्यादा जानकारी के लिए।